चीन, जापान, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसारने लगा है। सबसे ज्यादा भयावह खबर चीन से आ रही है। कहा जा रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते चीन में एक दिन में 3,70,00,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हों। ये दावा चीन की शीर्ष अथॉरिटी की ओर से किया गया है। ये दुनिया में एक दिन में कोविड संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दुनिया भर में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद क्या कोरोना का खतरा बना हुआ है? क्या कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज संक्रमण से बचा पाएगा? इसको लेकर हैदराबाद के कुछ विशेषज्ञों ने एक रिसर्च की थी। इसमें 1,636 लोगों को शामिल किया गया था। ये वो लोग थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इनमें पाया गया कि 1,636 में से 30% लोगों में 6 महीने के बाद वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का स्तर 100 AU/ml से नीचे था। हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 40 साल के ऊपर के लोगों में इम्यूनिटी कमजोर हो गई। 6% लोग ऐसे भी थे जिनमें वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 6 महीने बाद बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं थी। मतलब इस अध्ययन से मालूम चला है कि बुजुर्गों की तुलना में युवाओं के अंदर इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। वहीं अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 40 साल के ऊपर के लोगों में एंटीबॉडी 6 महीने के बाद काफी कम हो जाती है।